Hello everyone, how are you all? I hope you are all good and fine at home. Welcome to your EVS class of grade 1. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, plant life. So everyone, please open your EVS textbook. This is your chapter number 14, plant life. Okay, so let's start with warm-up question. Ranveer is in the garden today to tend plants. Draw the things which will help him to. That means कि जो रणवीर है वो आज कहाँ पे है, गार्डन में है. क्या कर रहा है वो? प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी देख रेख कर रहा है. तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही कुछ चीज़ को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है जो कि रणवीर की हेल्प करे. किस में? डिग आउट अनवांटेड ग्रास. ऐसी कौन सा जो औजार है जिसे वो खुदाई कर सकता है और जो बेफिजूल की जो ग्रास है उसको निकाल सकता है. उसके बाद वाटर प्लांट्स, प्लांट को वो कैसे पानी दे सकता है, और लूजन सॉइल, दैट मीन्स कि जो वो सॉइल जो है उसको लूजन कैसे कर सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एवरी डे. दैट मीन्स कि हमारे जो आसपास का जो एरिया है, आसपास सभी जगह पे जो है वो हमको प्लांट्स मिल जाते हैं, और हम लोग हर रोज़ जो है वो अलग अलग टाइप के पेड़ और पौधों को देखते हैं. सबसे पहले ट्रीज़, यानी कि यहाँ पे देखो फोटोज़ है, ये ट्रीज़ हैं. अब पढ़ते हैं. प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज़. दैट मीन्स कि ऐसे जो प्लांट्स जो बहुत ही बड़े हो और मज़बूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम कहेंगे ट्रीज. दे हैव थिक वुडी स्टीम्स कॉल्ड ट्रंक. देखो यहाँ पे क्या है, दे हैव थिक वुडी स्टीम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे लिखा है ट्रंक. तो ये है आपका ट्रंक. ओके, नाउ टर्न द पेज. हर्ब्स, अब हर्ब्स किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे फोटोज है. हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स. बहुत ही छोटे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे. तुलसी इज अ हर्ब्स. यहाँ पे तुलसी की फोटोज है, और जो उनकी स्टीम्स होती है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है श्रब्स. शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. दे हैव थीन वुडी स्टीम्स. दीज आर हार्ड. सम एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पे है जैस्मिन, यहाँ पे है और रोज बुश, और इसकी जो स्टीम्स होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेज क्लाइंबर्स. दे आर सम प्लांट्स that have weak stems. These plants need support to climb. Such plants are called climbers. That means कि कुछ ऐसे plant होते हैं जिसकी जो stems होती है वो बहुत ही weak होती है, और उनको बढ़ने के लिए किसी support की, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही कुछ plant है उसको हम कहेंगे climbers. For example, यहाँ पे है pea. इसका जो प्लांट है उसको देखो, यहाँ पे उसका सपोर्ट लगाया गया है. उसके अलावा हम सबके घरों में ज़्यादातर पाया जाता है मनी प्लांट. उसके अलावा बीन्स जो होती है वो भी एक टाइप ऑफ क्लाइंबर्स है. उसके अलावा ग्रेप वाइन, जो ग्रेप्स होती है उसका जो प्लांट होता है उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, नाउ नेक्स्ट है वाटर प्लांट. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट. दैट मीन्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में उगते हैं उसको हम कहेंगे वाटर प्लांट्स. यहाँ पे है वाटर हाइसिंथ, ये भी एक वाटर प्लांट है. उसके अलावा वाटर लिली, ये दोनों वाटर प्लांट हैं. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है रूट, देन स्टीम्स, उसके अलावा होती है ब्रांचेस, उसके अलावा होती है लीव्स,
उसके अलावा होती है बर्ड्स एंड ये है फ्लावर और ये है फ्रूट। तो ये जो सारे पार्ट्स है वो प्लांट्स के हैं। नाउ लेट अस सी हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ पार्ट प्लांट। सॉरी ये रह गया। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अ सीड्स इज सोन इनटू द सॉइल। दैट मीन्स कि जो सीड्स होता है वो ज़्यादातर फ्रूट में पाया जाता है और मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स यानी कि जो ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो सीड्स के अंदर ही बीज के अंदर ही ग्रो होते हैं बढ़ते हैं। और जो सीड्स होते हैं उसको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो फिर वो उसके थ्रू वो बढ़ते हैं। ओके नाउ लेट अस सी हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। देखिए चलो अब देखते हैं कि ये सीड्स जो होता है वो कैसे ग्रो करता है। अगर हम जो बीज है सीड्स है उसको ऐसे ज़मीन में डाल दे तो उसके ऊपर जो सन का जो धूप है वो पड़ती है यानी कि एयर सन एयर और जो रेन आती है वो तीनों मिलके एक जो सीड्स होता है उसको बढ़ाती है और वो ग्रो करके वो छोटे प्लांट में बदल जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट है अ लिटल सीड हैज थ्री गुड फ्रेंड्स। दीज फ्रेंड्स आर द सन रेन एंड एयर। दैट मीन्स कि जो लिटल सीड्स होते हैं उनके तीन दोस्त होते हैं। कौन कौन से मैंने यहाँ पे बताया सन एयर और रेन। द सन कीप्स इट वार्म द रेन ब्रिंग्स इट वाटर एंड द एयर हेल्पस इट ब्रेथ। दैट मीन्स कि जो सन होता है वो उसको गर्मी देता है और जो रेन होता है वो उसको पानी देता है और जो एयर होती है वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करती है। दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प द सीड्स टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। दैट मीन्स कि ये तीनों मिलके जो सीड्स है उसको बेबी प्लांट बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। दैट मीन्स कि कुछ टाइम बाद जो बेबी प्लांट होता है वो बढ़ के बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके थैंक यू हैव अ गुड डे।